वज़ीर-ए-आला महमूद खान का सैलाब मुतासर इलाकों का फजाई दौरा। इमरान खान, वज़ीर-ए-आला KPK महमूद खान और शिबली फराज रिता कुलाची स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे। अली अमीन गंडापुर ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सैलाबी सूरतहाल इमदादी सरगर्मियों से आगाह किया। मनाजर आपके सामने हैं। इमरान खान और वज़ीर-ए-आला महमूद खान का सैलाब मुतासर इलाकों का फजाई जायजा। इमरान खान, वज़ीर-ए-आला KP महमूद खान और शिबली फराज रिता कुलाची स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुँच गए। अली अमीन गंडापुर ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सैलाबी सूरतहाल इमदादी सरगर्मियों से आगाह किया और उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई। मनाजर आपके सामने हैं। अली अमीन गंडापुर और मुतल्लिका हुकाम की जानिब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सैलाबी सूरतहाल इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक आगाह किया है। इमरान खान और वज़ीर-ए-आला महमूद खान का सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। वज़ीर-ए-आला KP महमूद खान और शिबली फराज रिता कुलाची स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुँचे। अली अमीन गंडापुर ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सैलाबी सूरतहाल इमदादी सरगर्मियों से आगाह किया। इमरान खान और वज़ीर-ए-आला महमूद खान का सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मनाजिर आप देख सकते हैं। वज़ीर-ए-आला KP महमूद खान, इमरान खान, शिबली फराज रिता कुलाची स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुँचे हैं। अली अमीन गंडापुर ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सैलाबी सूरत हाल, कौन कौन से इलाके मुतासर हैं और इस वक्त इमदादी सरगर्मियाँ किस तरीके से जारी हैं, उस हवाले से आगाह किया। उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई है कि किन इलाकों में ज़्यादा सैलाब ने तबाही मचाई है। साथ ही मनाजिर भी आप देख रहे हैं कि वज़ीर-ए-आला KP महमूद खान भी उनके हमरा मौजूद हैं, जबकि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को यहां पर ब्रीफिंग दी गई है। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों का पहले फजाई जायजा लिया गया, उसके बाद अब दौरा किया गया है। वहां पर लोगों से सूरत हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर इस वक्त लोगों को ज्यादा इमदाद की जरूरत है, किस तरीके से रेस्क्यू किया जा सकता है। जबकि इमरान खान, वज़ीर-ए-आला KP महमूद खान, शिबली फराज रिता कुलाची स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचे हैं, जहां पर उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। अली अमीन गंडापुर ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सैलाबी सूरत हाल इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक आगाह किया। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से तबाही ही तबाही के आलम में सबसे बड़ा और कीमती